मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गिरोह, दो जमातें, दो लोग ऐसे हैं कयामत के दिन जिनकी मैं सिफारिश नहीं करूंगा। सहाबाए किराम की आंखें खुल गईं, हैरत के साथ कांपते होठों से, लरजती आंखों से देखने लगे, महबूबा वो कौन से ऐसे कम नसीब हैं जो सुबह कयामत आपकी रहमत लिल आलमीनी से भी महरूम रहेंगे, जिन्हें आपकी शफात कयामत में भी नहीं मिलेगी, वो बदनसीब कौन से हैं? तो करीम ने फरमाया, एक वो बादशाह जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से इज्जत दी, अल्लाह ने किसी मुमलिकत का सरबना बनाया और फिर वो खाइन हो गया, जालिम और जाबिर हो गया, फिर वो लोगों को लूटने लगा। सुबह कयामत मेरे मुस्तफा करीम फरमाते मेरी शफात से महरूम रहेगा। और दूसरा, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा वो उम्मती हो लेकिन अगर अल्लाह की हदों को तोड़ता है तो कयामत के दिन वो मेरी शफात का हकदार नहीं है।